Assalamu alaikum khawateen o hazrat, hope you all are fine and welcome back with another video. So aaj ki video ek bahut special hone wali hai kyunki hum discuss karne wale hain the one and only the 38 years old professor Muhammad Hafeez. Hafeez jinke piche sari controversy chal rahi thi ki yaar T20 to bachcho ki game hai, youngsters ki game hai, aap kyun khilate ho yaar buddho ko. Aur usne hum sab ke muh pe taale laga diye, zip laga diye ki yaar I can play T20. To wo kehta hai ki yaar usne us हफीज़ ने ना आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि हफीज़ ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं, कौन कौन से मतलब प्रीवियस एक साल में, और उसकी अभी जो तीसरा T20 चल रहा है उसमें उसने क्या परफॉर्मेंस की है. तो स्टे ट्यून्ड विद दिस इवेंट और लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा सब, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना लाजमी हो जाता है. तो कुछ ये है ना कि हफीज़ ने ना पिछले जनवरी 2019 से अब तक जो कि 1.5 साल हो गया है, इसमें हफीज़ 5 T20s खेल चुके हैं जिसमें 225 रन बनाए हैं विद एवरेज ऑफ 112 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 155. तो इट्स अ वेरी इनक्रेडिबल स्टैट्स. और अगर हम उसकी पिछले 10 मैचों की बात करें तो पिछले 10 मैचों में उसने कोई 466 रन बनाए हैं विद हैविंग 450s और कोई 92 की एवरेज. तो यार एक 38 ईयर्स ओल्ड जो कि जिसको कंट्रोवर्सी में आता है कि यार लोग कहते हैं कि इसको नहीं खिलाना चाहिए, जब उसके आखिरी 10 मैचों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो फिर क्यों हम उसको इतना बुरा कहते हैं. तो मेरे समेत हम भी कहते थे कि यार हफीज़ को ना खिलाओ, लेकिन हफीज़ हम सब के मुंह पर ताला लगा दिया और एक बहुत तबाही की इनिंग्स खेली है. होप फॉर द बेस्ट, इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करें. और आज की वीडियो में इतना ही. अभी जो मैच में चल रहा है ना उसमें हफीज़ की जो परफॉर्मेंस है कुछ आई थिंक 51 बॉल हफीज़ ने 86 नट आउट किया है, अभी परफॉर्मेंस दे रहा है. तो ये भी आपका शेयर कर दिए, मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.